मेष राजे तिवार, आप में काम काज निपटाने की एनर्जी बहुत रहेगी। मन पर कंट्रोल रखें। मेहनत का परिणाम आपके फेवर में हो सकता है। किसी काम के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत भी आपको करनी पड़ सकती है। खुद पर ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज और आदतों में कुछ जरूरी बदलाव हो सकते हैं। लोगों से आपको मदद मिल सकती है। आप कोई नई चीज सीख सकते हैं जिससे आगे चलकर आपके काम आसान हो सकते हैं। आज आप प्रेमी से अपने मन की बात भी कह सकते हैं। यात्रा का योग बन रहा है। पुराने मामलों को लेकर भी यात्रा हो सकती है। आप किसी काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो सकते हैं। अधिकारियों से भी काम काज में सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव, किसी से कोई बात शेयर करने में संकोच भी कर सकते हैं। कुछ मामलों में आप मायूस हो सकते हैं। थोड़े स्वार्थी भी हो सकते हैं। किसी कारण से या बेवजह ही मन में उदासी के भाव आ सकते हैं। किसी की अनदेखी का शिकार भी हो सकते हैं। जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको थोड़ा जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। कामकाज के लिए समय नहीं निकाल सकेंगे, क्या करें? रोटी पर थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल लगाकर कौवों को खिलाएं। लवक पल्स को खुशियां मिल सकती है। जीवन साथी से भी सुख मिलने के योग बन रहे हैं। करियर, नौकरी, पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा हो सकता है। प्रमोशन मिल सकता है। प्लेसमेंट में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। हेल्थ, सेहत ठीक रहेगी। ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोग सावधान रहे। वृषभ, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे तो सोचे हुए ज्यादातर काम निपट भी सकते हैं। काम पर बार बार विचार करने का मौका मिल सकता है। पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। दूसरों को जितना ज्यादा महत्व देंगे आपको भी उतना ही महत्व मिलेगा और उतना ही फायदा होने के भी योग है। नौकरी पेशा लोग नई योजनाएं बना सकते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। अपने दोस्तों और मददगार लोगों की इज्जत करें, उनको सम्मान दें। किसी दोस्त को गिफ्ट भी दे सकते हैं। समय का सदुपयोग करें। दोस्तों की मदद से कुछ जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव, कोई बात या सूचना आपको हैरान कर सकती है। भस करने से बचें। परिवार की खुशी के लिए कुछ इच्छाएं भी मारनी पड़ सकती है। फालतू काम और बातचीत में समय खराब होने की संभावना बन रही है। खर्चा भी ज्यादा होने के योग बन रहे हैं। मानसिक और शारीरिक थकान भी आज आपको महसूस हो सकती है। क्या करें? लोहे की कोई जंग लगी खराब चीज ऑफिस, घर या दुकान से हटा दें। लव विवाह योग्य लोगों को प्रस्ताव मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। साथ काम करने वाले अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। करियर, किस्मत का साथ भी मिल सकता है। अचानक रुके हुए काम भी आज पूरे हो सकते हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। कारोबार के सिलसिले में भी यात्रा हो सकती है। स्टूडेंट्स को भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ, अगले के रोग हो सकते हैं। ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्म चीजें खाने से बचें। मिथुन, ऑफिस में साथ काम करने वाले और बड़े लोगों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत होने के योग बन रहे हैं। इसमें आपको खुशी मिल सकती है। कुछ नया भी सीख सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। आपके विचारों को भी महत्व दिया सकता है। कोई दोस्त या साथ काम करने वाला आज कंफ्यूज भी हो सकता है। आज आप किसी दोस्त के निजी मामले में भी मदद करेंगे। करीबी दोस्तों और खास लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आप काफी बिजी भी हो सकते हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट्स अपडेट कर सकते हैं। पुरानी बातों भी आपको याद आएंगी। अच्छा और मीठा बोलकर आप अपने काम पूरे कर सकते हैं। आज आप लोगों की मदद करेंगे और खुश भी होंगे। किसी चाहने वाले से मुलाकात या बातचीत होने के भी योग बन रहे हैं। नेगेटिव, आलस्य और थकान के कारण कुछ खास काम भी अधूरे रह सकते हैं। करियर के कुछ अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं। फालतू विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। आपका पैसा कहीं उलझ भी सकता है। क्या करें? कौवों को हल्दी वाली रोटी खिलाएं। लव पार्टनर से सहयोग और प्रेम मिलेगा। आपके संबंधों में सुधार भी हो सकता है। करियर, नौकरी और बिजनेस में फायदा हो सकता है।
स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ वाहन का उपयोग सावधानी से करें, पुराने रोगों से परेशान हो सकते हैं, नींद की कमी भी हो सकती है, सिर दर्द या पेट खराब हो सकता है। कर पॉजिटिव, हर काम को धैर्य और समझदारी से निपटाने की कोशिश करें। इस राशि के कुछ लोग रोजगार की तलाश में रहेंगे। टेक्निकल फील्ड वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी से मदद मांगनी हो तो संकोच ना करें, कोई पुरस्कार भी आज आपको मिल सकता है। गोचर कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा होने से आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। आपके लिए दिन बहुत हद तक सकारात्मक भी हो सकता है। आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। आसपास और साथ वाले लोग आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। आपके सोचे हुए ज्यादातर काम भी आज पूरे हो सकते हैं। आप जोश और पूरी मेहनत से काम करेंगे तो जो भी काम हाथ में लेंगे उनमें सफल हो सकते हैं। लोगों की नजर आप पर रहेगी। जमीन जायदाद में रुचि बढ़ सकती है। आपका मन भी थोड़ा चंचल हो सकता है। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। परेशानियों से निपट सकते हैं। आवेश और उत्तेजना पर कंट्रोल करें। नेगेटिव दो तरफा बातें करने से बचें। पीठ पीछे किसी की बुराई करेंगे तो फंस भी सकते हैं। किसी को पैसा उधार देंगे तो पैसा अटक सकता है। परेशानियां भी रहेंगी, क्या करें, बंदरों को मीठी पूड़ी खिलाएं। लव प्यार के इजहार के लिए दिन अच्छा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में संभल कर रहें। करियर पुराने निवेश का फायदा भी इन दिनों में आपको मिल सकता है। बिजनेस के लिए यात्रा होने के योग हैं। कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को सहयोग से सफलता मिल सकती है। हेल्थ सेहत के मामले में भी दिन ठीक ठीक रहेगा। सिंह पॉजिटिव, कुछ नए अनुभवों के लिए तैयार रहें। इनसे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ सकता है। घर से दूर हैं तो घर की याद आ सकती है। घर के कुछ काम आज फोन पर ही निपटा लेंगे। बहुत से मामले आपके ही फेवर में रहेंगे। बिजनेस बढ़ाने के मौके भी मिल सकते हैं। ज्यादातर मामलों में दिन सामान्य रहेगा। पार्टनरशिप के कारण जरूरी काम पूरे हो जाएंगे। नेगेटिव, कई तरह के विचार आपके दिमाग में चल सकते हैं। उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। आपके कॉन्टैक्ट के किसी व्यक्ति के कारण आप उग्र हो सकते हैं। सोचे हुए काम पूरे होने में भी समय लग सकता है। आपकी कोई बात दूसरों का दिल भी दुखा सकती है। चंद्रमा गोचर कुंडली के आठवें भाव में होने से आपको सावधान रहना चाहिए। अचानक खर्चा बढ़ सकता है। आप में एनर्जी रहेगी। कुछ लोग आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ परेशानियां भी आ सकती है। स्वार्थपूर्ण बातों के कारण कुछ संबंधों में बदलाव होने के भी योग हैं। ऑफिस में आपके कुछ विचार अधिकारियों को पसंद नहीं आएंगे। बिना जानकारी के कोई बात ना कहे। जो भी बोले सोच समझ कर ही कहे। क्या करे, गाय को आटा खिलाए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा हो सकता है। जीवन साथी से खुशियां मिल सकती है। करियर खर्चा ज्यादा हो सकता है। बिजनेस अच्छे से चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। उतार चढ़ाव वाला दिन हो सकता है। हेल्थ, काम काज ज्यादा होने के कारण आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। कन्या पॉजिटिव, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। करीबी लोगों को आपसे कुछ अपेक्षाएं हो सकती है। आपको थोड़ी सुस्ती भी महसूस होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किए गए कामों से फायदा हो सकता है। स्वतंत्रता से काम करने के बारे में विचार करेंगे तो फायदा हो सकता है। बिजनेस की शुरुआत सुस्त रहेगी। धीरे धीरे काम काज में गति आ सकती है। बहुत से काम लगभग आपाधापी की स्थिति में ही पूरे हो सकते हैं। संतान के काम काज पर नजर रखनी होगी। संतान को समय भी देना पड़ सकता है। बड़े सपने देखेंगे लेकिन समस्या का समाधान भी हो जाएगा। उच्च और बौद्धिक वर्ग में सम्मान मिल सकता है। नेगेटिव, कुछ कामों में सफलता नहीं मिलने से मूड भी खराब हो सकता है। पैसों की देनदारी के मामले को लेकर परेशानी बढ़ भी सकती है। पारिवारिक जीवन थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। अचानक कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खान पान में गड़बड़ी के योग बन रहे हैं। क्या करें, किन्नरों को पैसे या हरी चूड़ियां दें।
लव पार्टनर का मिजाज अच्छा हो सकता है, आपकी भावनाओं का भी सम्मान हो सकता है। पार्टनर आपके मन की बातें बिना बोले ही समझ सकता है। करियर रुका हुआ पैसा आपको मिलने के योग है, आपका कारोबार भी बढ़ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है, सफलता मिलेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। हेल्थ सेहत पर ध्यान दें, ज्यादा भोजन करने से नुकसान के भी योग बन रहे हैं। तुला पॉजिटिव बिगड़े हुए काम और स्थितियों को कोशिश करके सुधार सकते हैं। दुश्मनों पर जीत मिल सकती है, नए संबंधों से फायदा हो सकता है, दोस्तों से मदद मिल सकती है। कामकाज और उसके लिए जरूरी लोगों को समझें, कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी चुनौती आपके सामने आ सकती है। प्रेमी या किसी करीबी दोस्त के साथ आपकी बोलचाल लगभग बंद थी तो आज शुरू हो सकती है। राजनीतिक और सामाजिक कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस के मामले में दिन अच्छा हो सकता है, बिजनेस और नौकरी में कॉम्पिटिशन भी बढ़ सकता है। नेगेटिव काम शुरू करने के लिए या लोगों से काम करवाने के लिए व्यावहारिक तौर पर सावधान रहें। परिवार के मामलों की अनदेखी ना करें, पैसों की चिंता भी दिन भर हो सकती है। नौकरी और बिजनेस वाले दुश्मनों से परेशानी हो सकती है, कुछ संबंधों में तनाव भी हो सकता है। खर्चों में कमी करने की कोशिश करें, क्या करें, किसी ब्राह्मण को खीर खिलाएं। लव जीवन साथी की सेहत को लेकर टेंशन बनी रहेगी, लव अफेयर के मामलों में भी टेंशन हो सकती है। करियर बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है, बिजनेस में भी थोड़ा फायदा हो सकता है, स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिल सकती है, दोस्तों से सहयोग मिल सकता है, काम की कोई बात पता चल सकती है। हेल्थ मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है। वृश्चिक पॉजिटिव, वृश्चिक राशि के परेशान लोगों को राहत मिल सकती है, किसी काम को मन लगाकर करेंगे तो जल्दी ही सफल हो सकते हैं। ऑफिस के कुछ काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में भी बदलाव करने पड़ सकते हैं। बिजनेस करने वालों को जितना काम मिलता जाए उतना ही स्वीकार करते जाएं, एक एक करके काम निपटाएं। नए कामकाज की योजना बन सकती है, जो भी बात कहें साफ और सटीक तरह से कहें। किसी तरह का निवेश करने के प्ले ठीक से चेक कर लें, मेहनत का पूरा फल भी आपको मिल सकता है, आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है। आपके कामकाज की क्षमता और बढ़ सकती है, कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है। नेगेटिव खान पान पर भी कंट्रोल करना पड़ सकता है, एक साथ कई तरह के काम हाथ में लेने से मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। कुछ कामों में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण धन हानि के योग भी बन रहे हैं, क्या करें। से 50 साल के किसी ब्राह्मण को अनार दान दें। लव पार्टनर के साथ समय बिताएंगे, पुरानी बातें आपके सामने आ सकती है, मतभेद होने के भी योग हैं, लेकिन दिन अच्छा रहेगा। करियर, नए काम और रोजगार के ऑफर आज आपको मिल सकते हैं। कारोबार में साझेदारों की मदद मिल सकती है, आज आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है, स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ सकता है, आज आप सफल भी रहेंगे। हेल्थ, सिर दर्द हो सकता है और नींद की कमी भी होगी, पेट संबंधी समस्या आज हो सकती है। धनु पॉजिटिव, आपकी व्यावहारिकता पर भावुकता हावी हो सकती है, अपनी सभी योजनाएं और विचार अच्छी तरह दूसरों को समझा सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी और आप सफल हो सकते हैं। आपको आने वाले दिनों में फायदा भी हो सकता है, पुरानी समस्या का कोई नया ही क्लू आपके सामने आ सकता है। ऑफिस के अधूरे काम निपटाने के लिए दिन ठीक कहा जा सकता है, रोमांस के लिए भी दिन अच्छा है, पार्टनर आपकी बात मानेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है, बिजनेस और नौकरी में आपका महत्व और प्रभाव बढ़ सकता है। नेगेटिव, जायदाद से जुड़े बड़े फैसले आज ना लें, किसी चीज की खरीदारी के लिए आप पर पारिवारिक दबाव बन सकता है, बड़े फैसलों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। गोचर कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा होने से अनजाना डर परेशान करेगा, मानसिक तनाव भी रहेगा। कोई काम शुरू करते समय कई तरह के नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं, असफलता के साथ ही धन हानि का डर भी हो सकता है।
क्या करें, अनाथालय या किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान दें। लव अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। अविवाहित लोगों को अचानक सरप्राइज मिल सकता है। करियर धन हानि के योग बन रहे हैं। किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। बड़ा निवेश करने से बचें। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक नहीं कहा जा सकता है। मानसिक तनाव के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हेल्थ सेहत को लेकर संभल कर रहे। चोट या छोटी दुर्घटना हो सकती है। मकर पॉजिटिव अपना व्यवहार जितना लचीला रखेंगे उतने ही सफल हो सकते हैं। शांति से निजी जीवन के बारे में विचार करें। परिवार को लेकर ज्यादा ही पजेसिव हो सकते हैं। परिवार की जरूरतों और चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। परिवार के साथ पुरानी अनबन भी खत्म हो सकती है। लचीले व्यवहार के दम पर साथ काम करने वालों के साथ समझौता हो सकता है। ऑफिस के काम ज्यादा रहेंगे। सेहत पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों और भाइयों के साथ समय बीतेगा। आपकी परेशानी ज्यादा समय की नहीं रहेगी। आलस्य छोड़कर एक एक करके काम हाथ में लें और काम समय पर करें। कोशिश और दूरदर्शिता से आपको मदद मिल सकती है। नेगेटिव आपके कुछ विचारों के कारण परेशानी बढ़ सकती है। उन आदतों को सुधारने की कोशिश करें जो नुकसानदायक हैं। घर परिवार के कामों पर कोई बड़ा खर्चा भी हो सकता है। पैसों से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी खास काम को लेकर कंफ्यूजन या आलस्य रहेगा। कई मामले और काम के बोझ से आप परेशान रहेंगे। क्या करें, आज सुगंधित तेल का उपयोग ना करें। लव विवाहित लोगों को आज अपने जीवन साथी से सुख और प्रेम मिलेगा। करियर बिजनेस को लेकर टेंशन हो सकती है, लेकिन सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स को साथियों से सहयोग मिल सकता है। पढ़ाई में भी मन लगेगा। हेल्थ, पेट और कमर दर्द हो सकता है। चोट भी लग सकती है। संभल कर रहे। कुंभ पॉजिटिव धन लाभ हो सकता है। नई ऊर्जा भी महसूस हो सकती है। आपके जीवन में जो भी लोग महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात या फोन पर भी बात हो सकती है। किसी भी तरह की बातचीत, इंटरव्यू या सौदेबाजी के लिए दिन अच्छा हो सकता है। दोस्तों और साथियों के दम पर आपके ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं। कुछ जिम्मेदारियां आप अगले दिन के लिए टाल सकते हैं। पुराने और बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। अधूरे काम पूरे होने की संभावना बन रही है। भूमि संबंधी लेनदेन में रुचि बढ़ेगी। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना भी आपके सामने आ सकती है। नेगेटिव कार्य क्षेत्र में अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम हो सकता है जिसके कारण कुछ कार्यक्रम में आपको बदलाव करना पड़ सकता है। ऑफिस में बिजी हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। मन में कुछ उथल पुथल भी हो सकती है। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। परिवार के कुछ मामले उलझ भी सकते हैं। खुद से ज्यादा दूसरों पर खर्चा करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में मन मान कर काम निपटाने पड़ सकते हैं। क्या करें, लाल कपड़े में सिंदूर से स्वस्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। लव प्रेमियों के पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुधार होने के योग हैं। करियर कारोबार भी बढ़ सकता है। अचल संपत्ति से फायदा होने के योग हैं। स्टूडेंट्स का समय दोस्तों के बीतेगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा। जॉब या नया कोर्स करने का मन बनेगा। हेल्थ, सिर दर्द और पेट के रोग रहेंगे। मीन पॉजिटिव, बिजनेस करने वाले लोगों को अच्छी प्लानिंग से सफलता मिल सकती है। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिल सकती है। पैसों के लिहाज से दिन अच्छा साबित हो सकता है। नए लोगों से प्रोफेशनल संबंध बन सकते हैं। कामकाज में जितनी मेहनत करेंगे उतनी तारीफ और सम्मान भी आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ रखें। इससे आपको फायदा हो सकता है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के नए मौके भी मिल सकते हैं। ध्यान रखें कि नौकरी और निजी जीवन के मामलों में आप जो भी फैसला करेंगे उसका असर लंबे समय तक हो सकता है। दोस्त आपसे प्रभावित हो सकते हैं। जीवन साथी से प्यार से पेश आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है।
निगेटिव आज आप किसी व्यक्ति के बारे में ना तो ज्यादा टिप्पणी करें और ना ही किसी व्यक्ति के बारे में कोई फैसला लेने की कोशिश करें। नौकरी धंधे में आपका मूड भी आक्रामक हो सकता है, इसका नुकसान भी आपको हो सकता है। लाइफ पार्टनर की कुछ आदतों पर आपको गुस्सा आ सकता है। कामकाज में जल्दबाजी करने से बचें, आज आपके कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं। धन हानि के भी योग बन रहे हैं, संभल कर रहे। क्या करे किसी गरीब को पीली मिठाई दे। लव मीठी और सलीकेदार बातचीत से लव लाइफ और मधुर बन सकती है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। करियर अचल संपत्ति से भी फायदा होगा। कपड़ा व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स को तनाव हो सकता है, किसी से विवाद भी हो सकता है। हेल्थ पुराने रोग परेशान कर सकते हैं, इस राशि के हार्ट पेशेंट संभल कर रहे।